नाबालिग बेटी की बरामदगी को लेकर एसएसपी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे परिवार को आज आम आदमी पार्टी ने भी पीड़ित परिवार का समर्थन दिया है। हम आपको बता दें कि पीड़िता परिवार की नाबालिग पुत्री पिछले माह से लापता है, जो अपनी नानी के घर से काशीराम नगर बी ब्लॉक ट्रिपल स्टोरी मुरादाबाद से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी। देर समय बीत जाने के बाद भी जब पुत्री घर वापस नहीं लौटी तो बच्ची के परिवार वालों ने थाना मंझोला में इसकी शिकायत दर्ज करी। पीड़ित के परिवार का कहना है कि इतने लंबे समय से मामला दर्ज होने के बाद भी अपहरणकर्ता विष्णु शर्मा के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित परिवार की मांग है कि उनकी नाबालिग पुत्री को जल्द से जल्द बरामद किया जाए और विष्णु शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। पीड़ित परिवार को आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थन की घोषणा करते हुए जल्द कार्यवाही की मांग की गई है, नहीं तो आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता राजेंद्र भाटिया ने बताया कि क्या मामला जी ऐसा है कि पिछले 14 जुलाई से यहाँ पे काशीराम नगर में एक 14 वर्षीय बालिका का अपहरण हो चुका है, जिसके 14 जुलाई से उसके परिवार वाले यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं। जो 13 साल की बच्ची है, जिसका अपहरण कर लिया गया है, जैसे विष्णु शर्मा का नाम आया है सामने, और आज आम आदमी पार्टी जब यहाँ देखा कि ये महिला और ये परिवार पीड़ित परिवार यहाँ बैठा हुआ, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम आदमी पार्टी योगी सरकार जहाँ तो कहती है बेटी बचाओ और बेटी बचाओ के नारे बहुत दूर दूर तक लगाती है, होल्डिंग लगाती है, लेकिन हमारे मुरादाबाद के अंदर एक नाबालिग बेटी 14 साल की बेटी जो काफ़ी 6 महीने से गायब है, पुलिस प्रशासन के मिली भगत से इनकी बेटी अभी तक नहीं मिल पाई है, और इनसे जो वहाँ का चौकी का प्रभारी है जिसका नाम पंकज सामने आया है, वो इनसे पैसे मांगता कि मैं आप अगर 50,000 रुपये देते तो आपकी बेटी मैं बरामद करा सकता हूँ, लेकिन इस गरीब परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा। तो आज विभिन्न संगठनों ने, लेफ्ट के संगठनों ने और आम आदमी पार्टी के संगठनों ने इनका सहयोग किया, और आने वाले टाइम पर अगर पुलिस प्रशासन इसकी कोई सुनवाई नहीं करता है तो सोमवार के दिन आम आदमी पार्टी के सदस्य और मैं भूख हड़ताल पर, एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठूंगा।